प्रधानमंत्री राइफल लेकर के सीमा पे खड़ा होते हैं कि प्रधानमंत्री उड़ा रहे थे हवाई जहाज को, कि अभिनंदन हवाई जहाज को उड़ा रहा था, कि ये अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री गए थे बम गिराने के लिए तो कह रहे हैं कि आदेश हम दिए। तो अब हम आते हैं सवाल पे कि आप आदेश दिए, पुलवामा हमला हुआ, कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको ये बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी? नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी? और ये बेईमान लोग हैं, इस बेईमानी का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं सभी लोगों से कि इस बात की चर्चा मत कीजिए कि मैं शहीद पिंटू सिंह के घर गया था। कभी इस बात की चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा वहां जाना कोई सियासी कारण नहीं था। मैं इस जिले का हूं, इस जिले में मौजूद हूं, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुखदाई घटना होगी, बिना किसी वोट के गुना गणित के वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है, जिस इंसानियत को हम लोग अपने पालन पोषण में सीखे हैं। गांव में किसी जात का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति जब मर जाता है, जब तक उसकी लाश नहीं जाती है किसी का भी चूल्हा नहीं जलता है। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का यदि हम पालन करते हैं तो ये पालन करना हमारी जिम्मेवारी है। यही हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। इसको कभी भी राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। लेकिन जो लोग शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि रैली से एक रात पहले डिस्को डांस का बहुत अच्छा प्रबंध आप किए थे पटना में। सब नेता हवाई जहाज से उसी हवाई अड्डे पे उतरे थे जिस हवाई अड्डे पे हमारे वीर शहीद पिंटू सिंह का शव आया था, आप वही मौजूद थे। आप में से किसी को फुर्सत नहीं हुई कि एक बार नम आंखों से उस वीर को सलाम दे, उसके शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हों? ये बेईमानी है। लहजों में कहा है, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अपनी ओछी राजनीति भुनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल सेना के किसी वर्दी का, किसी प्रतीक का और किसी चेहरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ा? ऐसा चुनाव आयोग को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि देश के भीतर एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जिस माहौल में सरकार अपना काम नहीं गिना रही है, सरकार आर्मी का काम गिना रही है। और आप हमको एक बात सोच करके बताइए कि मेरा काम मान लीजिए खाना बनाने का है, तो जब आप खाने के लिए आएंगे तब आप हमसे खाना मांगेंगे तो हम आपको यदि ये कहें कि कैसी बात करते हैं, आप खाना मांग रहे हैं, देश देखिए किस तरह के संकट से गुजर रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाला है और आप हमसे खाना मांग रहे हैं, तो आप हमको दो चमेटा मारिएगा या नहीं मारिएगा? आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा कि तुम हमको खाना बनाने के लिए तुमको रखे हैं तो तुम हमको खाना दो, तुम हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान आर्मी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक क्यों समझा रहे हो? ये पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? मास्टर साहब को आप रखे हैं कि वो आए और आपके घर पे आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं और मास्टर साहब कहें कि देखिए देश का माहौल बहुत खराब है, हमको ट्यूशन का फीस दे दीजिए, हम मास्टर हैं लेकिन देश का माहौल खराब है और हम बहुत दुखी हैं इसलिए हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हमको ट्यूशन फीस दे दीजिए, तो आप ट्यूशन फीस दीजिएगा? दुकान पे जाइएगा सब्जी खरीदने के लिए और सब्जी खरीदते हुए
आप कहिएगा कि सब्जी दो, वो सब्जी दे देगा। उसके बाद कहिएगा देखो पैसा मत मांगो, देश में इतना दुख का माहौल है, इतने भीड़ लोगों की शहादत हो रही है और तुम सब्जी का पैसा मांग रहे हो, तो सब्जी वाला आपके ऊपर बटखरा से आपका कपार फोड़ देगा या नहीं फोड़ देगा। एक बात हमको आप सोच करके बताइए, प्रधानमंत्री राइफल लेकर के सीमा पे खड़ा होते हैं कि प्रधानमंत्री उड़ा रहे थे हवाई जहाज को कि अभिनंदन हवाई जहाज को उड़ा रहा था, तो ये अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री गए थे बम गिराने के लिए तो कह रहे हैं कि आदेश हम दिए। तो अब हम आते हैं सवाल पे कि आप आदेश दिए, पुलवामा हमला हुआ कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको ये बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा। कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी, नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी। और ये बेईमान लोग हैं, इस बेईमानी का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं सभी लोगों से कि इस बात की चर्चा मत कीजिए कि मैं शहीद पिंटू सिंह के घर गया था, कभी इस बात की चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा वहां जाना कोई सियासी कारण नहीं था। मैं इस जिले का हूं, इस जिले में मौजूद हूं, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुखदाई घटना होगी बिना किसी वोट के गुना गणित के वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है, जिस इंसानियत को हम लोग अपने पालन पोषण में सीखे हैं। गांव में किसी जात का किसी धर्म का कोई व्यक्ति जब मर जाता है, जब तक उसकी लाश नहीं जाती है किसी का भी चूल्हा नहीं जलता है, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति का यदि हम पालन करते हैं तो ये पालन करना हमारी जिम्मेवारी है, यही हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। इसको कभी भी राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। लेकिन जो लोग शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि रैली से एक रात पहले डिस्को डांस का बहुत अच्छा प्रबंध आप किए थे पटना में, सब नेता हवाई जहाज से उसी हवाई अड्डे पे उतरे थे जिस हवाई अड्डे पे हमारे वीर शहीद पिंटू सिंह का शव आया था, आप वही मौजूद थे। आप में से किसी को फुर्सत नहीं हुई कि एक बार नम आंखों से उस वीर को सलाम दे, उसके शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हों। ये बेईमानी है।